मैदान में, देश व देश में बढ़ती महंगाई एवं जन समस्याओं को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भेजा। देश व प्रदेश में बढ़ रही लगातार महंगाई की वजह से आम आदमी का जीवन यापन मुश्किल हो गया है। हर चीज में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, जिसको लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर पार्क से जिला मुख्यालय तक जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश की सरकार को भेजा। और ज्ञापन में मांग की गई है कि लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार पुनः विचार करे और बढ़ रही महंगाई पर अंकुश लगाने का प्रयास करे, जिससे आम जनता को कुछ राहत मिल सके। धरने में मुख्य रूप से राहुल गुप्ता, दीपक चौधरी, नदीम कुरैशी, विनोद दिवाकर, विकास, शमीम कुरैशी, राहुल दुबे आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम सिद्धार्थ चौधरी है। सिद्धार्थ जी, किस पद पर है पार्टी में आप? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हूँ। आज जो प्रदर्शन किया गया है, किन मांगों को लेकर किया गया है? देखिए, हमारी जो मांगें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो डेली बढ़ रहे हैं और स्थिति इतनी खराब आ चुकी है, हमारे किसान जो पिछले 7-8 महीने से प्रदेश की सीमाओं पर बैठे हैं, उनकी कोई सरकार सुनने को तैयार है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसान इन किसान विरोधी बिल के पक्ष में नहीं है। ये जो बिल बनाए गए हैं तीनों, ये बिना विपक्ष की सहमति के, बिना किसान की सहमति के बनाए गए हैं। सरकार को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये, जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियाँ निकल कर आई हैं, वो इतनी ख़राब परिस्थितियाँ हैं कि आम जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। महंगाई की मार इतनी ज़बरदस्त है कि दो वक्त की रोटी भी गरीब आदमी अपने घर में बना नहीं पा रहा। सरकार तो दावे करती है बड़े बड़े कि हमने जो है फ्री राशन दे दिया, लेकिन सच्चाई ये है राशन डीलरों ने जो है बेईमानी कर करके अपने घर बन लिए। फ्री राशन कहीं नहीं दिया, बेईमानी करके अपने घर बन लिए। किसान काफ़ी समय से आंदोलन कर रहा है, क्या वजह है जो सरकार अभी तक मांगे पूरी नहीं कर रही? देखिए, सरकार को घमंड है, सरकार को जिद, और ऐसा नहीं है अच्छे अच्छे तानाशाह मिट्टी में मिल गए। तानाशाह मिट्टी मिल गए तो बहुत छोटी चीज़ है। तो सरकार आज नहीं तो कल सरकार और किसानों की मांगे माननी पड़ेंगी। यदि सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती, बिल वापसी नहीं करती, तो पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा हो गया, तो उस दिन जो है सरकार को घुटने टेक के किसानों की बात माननी पड़ेगी। आपकी पार्टी किसानों को किस तरह से समर्थन करेगी, किस तरह से साथ देगी? देखिए, किसानों की जो मांगे हैं, हमारी पार्टी उनका पूर्ण समर्थन करती है। माननीय शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का पहले ही जो है संज्ञान लेते हुए सरकार पे तीर छोड़े हैं कि जो है जिस तरीके से किसान वहां बैठे हैं, किसानों के समर्थन में बिल वापसी ले। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पक्ष यही है कि ये किसान विरोधी बिल तुरंत वापस